दोस्तों क्या आप जानते हैं सेला, नूरा, जसवंत, ये तीन प्लेसेस का नाम है एंड ऑल्सो इंसानों का भी नाम है। ये तीनों प्लेसेस अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। ये है तवांग का एंट्री गेट जो सेला पास के नाम से जाना जाता है एंड दिस इज नूरानांग फॉल विच इज ऑल्सो नाउन एज चंग वाटरफॉल। ये है मिलिट्री बेस जसवंत घाट जो जसवंत सिंह रावत के नाम से इंस्पायर्ड है। तो इस पे सवाल आता है कि ये नाम इन प्लेसेस के नाम पे कैसे कन्वर्ट हुआ। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। साल 1965 यानी कि 1962 इंडो चाइना वार के दौरान शहीद जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड दुमाकोट विलेज से बिलोंग करता है एंड ही वाज द इंडियन आर्मी अंडर द 4th गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ऑफ इंडिया। 1962 के वार के दौरान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत नेफा में ऐतिहासिक लड़ाई का हिस्सा थे जहाँ उन्होंने बहुत साहस और वीरता के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। यहाँ पर कुछ अकाउंट्स क्लेम करते हैं कि उन्होंने 72 घंटे तक अकेला चीनी सैनिकों को अपने लोकेशन में रोक के रखा। अकॉर्डिंग टू इंडिया सेंटिनल, जसवंत सिंह रावत अपने जान देने से पहले एक मशीन गन के सहारे 300 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को रोक के रखा। वहाँ के लोकल्स और इंडियन आर्मी के मुताबिक 300 से ज्यादा चाइनीज सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। और यहाँ पर सेला और नूरा का रोल भी आता है। जब जसवंत चीनी सैनिकों के अगेंस्ट अकेला लड़ रहा था तब सेला अपने सिस्टर नूरा के साथ एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद और फुट सप्लाई करके उनका मदद की। विकिपीडिया के अनुसार इस रिपोर्ट को देखिए। Two local Munpa girls named Sela and Noora. Later, Sela was killed and Noora captured by Chinese military. अब चलिए जानते हैं जसवंत सिंह रावत का शहीद होने का कारण। Many reporters claim this history in different ways. जरा इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। इसके मुताबिक जसवंत सिंह रावत गोला बारूद खत्म होने के बाद अपने आप को शूट कर लेता है। इसका पीछे रीजन ये बताता है कि चाइनीज के हाथों मरने से अच्छा है खुद ही मर जाऊं। इस वजह से लास्ट राउंड बुलेट खुद को ही शूट कर दिया। चाइनीज कमांडर आके उनके सर धर से अलग करके चाइना ले गए। बट यहाँ पर कुछ शॉकिंग चीज होता है। चाइनीज कमांडर जसवंत के इस वीरता को देखकर रिस्पेक्टफुली इंडियन आर्मी को एक प्रतिमा और उनके शव को सौंप देते हैं। चलिए अब कुछ क्लेरिफिकेशंस देखते हैं। जैसे कि मैंने आगे मेंशन किया था कि कई रिपोर्टर्स का डिफरेंट क्लेम्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये रिपोर्ट बताता है कि इंडो चाइना वार के दौरान चाइनीज मिलिट्री उनके ऊपर हावी होते जा रहे थे, इसलिए इंडियन आर्मी ने गढ़वाल यूनिट के 4th बटालियन को वापस बुला लिया। लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह और उनके साथी वापस नहीं लौटे। उनके पोजीशन से 30 मीटर दूर चाइनीज आर्मी मशीन गन से उन पर फायर कर रहे थे। उस गन को छुड़ाने के लिए जसवंत सिंह और उनके दो और साथी लेंस नायक तिब्लो सिंह नेगी और गोपाल सिंह कुसैन दुश्मनों के हैवी फायरिंग से बचते हुए चीनी सैनिकों के बंकर के आसपास पहुंचा। तभी उन्होंने चाइनीज बंकर में ग्रेनेड फेंक के दुश्मनों को उड़ा दिया। मशीन गन को लेने में सक्षम रहा पर पोजीशन में पहुंचते जसवंत सिंह के सिर पर गोली लगता है और वहीं पर उनका मौत हो जाता है। यहाँ पर लोकल्स का कहना है कि 72 घंटे तक लड़ाई के दौरान चीनी सैनिकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। अलग अलग जगहों से चीनी सैनिकों के ऊपर भारत की ओर से गोलीबारी हुआ। चीनी सैनिकों को लगता है कि वहां पर अलग अलग जगहों में भारत का सेना तैनात है। हर पोजीशंस के पीछे से जसवंत सिंह रावत उन पर गोली चला रही थी। चीनी सैनिकों के ऊपर हैवी गन फायरिंग के कारण गन का ट्रिगर इतना गर्म हो गया था कि उनके हाथों में छाले पड़ गए। फिर भी अपने कपड़े हाथों में लपेट कर गन चलाता रहा 72 घंटे तक। लोकल्स कहते हैं कि उन्होंने अंतिम गोली अपने ऊपर चलाई। उसी समय एक लाचार माँ बाप ने 21 साल का जवान बेटा इन वीरान पहाड़ों में खो दिया। वहाँ के लोग और इंडियन आर्मी कहते हैं कि आज भी उनका पवित्र आत्मा इस धरती की रक्षा के लिए उन पहाड़ों पर तैनात है। वो कहते हैं ना कि मुझे तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस वतन के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। तेरी हाँ पे जिंदा।